राज्य बीज निगम लिमिटेड के चेयरमैन धीरज गुर्जर ने राजधानी जयपुर में पदभार ग्रहण किया। कृषि पंत भवन में धीरज गुर्जर ने पूजा अर्चना करके पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव, प्रताप सिंह खाचरियावास, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक मुकेश भाकर सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पदभार ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया और कहा कि बीज निगम की जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, इसके माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए काम किया जाएगा। आज एक कदम बढ़ाया है, लेकिन ये कदम यहाँ रुकने वाले नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा, इनकी जो पृष्ठभूमि, एक साधारण किसान परिवार की पृष्ठभूमि, इनके पिता स्वयं एक फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर के रूप में उन्होंने काम किया, मेहनत करी अपनी हाथों से, और वहाँ से इन्होंने शुरुआत करी और एक एक कदम जैसे इन्होंने बढ़ाया। राजस्थान प्रदेश NSUI के ये अध्यक्ष जब बने, पहली बार मेरी मुलाकात तब हुई और इनमें जो ज्वलंत ऊर्जा थी, उस ऊर्जा से मैं पहली मुलाकात में ही प्रभावित हुआ। लेकिन केवल मैं प्रभावित नहीं हुआ, आज पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी में इन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। उस ज्वलंत ऊर्जा से, अपनी मेहनतकश कार्यशैली से जो इनको विरासत में मिली, जो इन्होंने अपने पिता के बारे में एक बैकग्राउंड बताया, वो मेहनतकश विरासत, उसको लेकर ये राजनीति में आए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य सोनिया गांधी जी का और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि सम्मान्य धीरज गुर्जर जी को, जो खुद एक किसान परिवार से हैं, नौजवान हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और UP जैसे राज्य के प्रभारी हैं, उनको सीड कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया। पिछले 3 सालों में राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान की